एबीपीएस न्यूज सच का साथी। एबीपीएस न्यूज का कारवा आगे बढ़ते हुए जिला एटा पहुंचा, जहां पर देखा कि ग्राम प्रधान द्वारा सोलर लाइटों का निर्माण कराया गया तो वहीं नलों को रिबोर कराकर स्वच्छ पानी पीने की व्यवस्था की गई। प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत मिशन के तहत ग्राम प्रधान के प्रयासों से शौचालयों का निर्माण कराया गया, तो इसके साथ साथ तमाम अन्य योजनाएं जो सरकारों द्वारा चलाई गई उन्हें आम जन मानस तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करते हुए ग्राम प्रधान द्वारा सड़कों का निर्माण कराया गया ताकि लोग अच्छे से अपना रास्ता तय कर सके। इसमें सीसी रोड के साथ साथ टाइल्स वाली रोड के अलावा कच्चे काम के अंतर्गत मनरेगा के माध्यम से भी रास्तों का निर्माण कराया गया है, तो वहीं प्राथमिक विद्यालयों में भी ग्राम प्रधान ने ग्राम निधि के द्वारा तमाम कार्य कराए, चाहे वो मॉडल शौचालय का मामला हो, चाहे स्कूल में टाइल्स बिछाने का मामला हो। आगे की बात सुनते हैं सीधे ग्राम प्रधान की जुबानी। ग्राम पंचायत बागवाला का ग्राम प्रधान पति हूँ विनोद तोमर। मेरा गांव बागवाला है, विकासखंड शीतलपुर, जनपद एटा से बिलोंग करता हूँ। मैंने यहाँ 2 साल में जो विकास कार्य कराए हैं उनमें से लगभग 7-8 तो गलियाँ हैं जिसमें इंटरलॉक सीसी प्लस सोलर लाइटें लगाई है। मैंने लगभग 30-35 लगाई है। स्ट्रीट लाइट लगाई है, सारे गांव में विद्युतीकरण कराया है। 2 गांव में बिजली का मैंने वायरिंग वगैरह कराई है और अभी भी समय कार्य चल रहा है। लगभग 200 के लगभग शौचालय बन चुके हैं मेरे यहाँ। बाकी का अभी यहाँ मेरे यहाँ विकास की काफ़ी ज़रूरत है। लगभग 25-30 साल से मेरे यहाँ कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ है। पहली बार मैंने यहाँ से विकास कार्य किया है और बाकी पब्लिक भी यहाँ सराहना कर रही है मेरी। और बाकी का लगभग यहाँ मेन काम कुछ हमारे यहाँ है, उसमें सबसे बड़ा काम है एक नाला है। नाला पर बहुत ज़्यादा परेशानी है हमारी जनता को निकलने बैठने की, बरसात में सबसे ज़्यादा परेशानी होती है। वहाँ एक पुलिया की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, प्लस वहाँ सड़क भी निकलवानी है और खरंजा बनवाना है। बाकी मैंने एक नगला ODF करवा दिया, नगला छोटा ODF करा दिया है। टोटल सड़क वगैरह टोटल कर दिया है, एक नगला गुड़िया रह गया, उस पर केवल सड़क बनती है। और अभी भी जो हमारे कार्य चल रहे हैं वो आज हम अपनी कार्य योजना तैयार कर रहे हैं 18-19 की, जो भी कार्य शेष है वो भी कार्य पूरे कराने की कोशिश करूँगा। करने वाला हूँ। प्रधान जी ने बहुत बढ़िया काम किए हमारे गांव में। आज तक इतना किसी प्रधान ने काम नहीं किया, RCC का काम और इंटरलॉकिंग किसी ने नहीं करवाई है, शौचालय भी कर रहा है।